So, hello guys, channel study time. So guys, this video is of algebra related to CBSE board lab 6. So guys, आज हम algebra पढ़ने जा रहे हैं कि algebra से पता ही आपने देखा होगा कि हम algebra में letters use करते हैं, numbers use करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा चैप्टर अबाउट अलजेब्रा. व्हाट इज अलजेब्रा. अब हमें ये पता लगाना है कि ये तो पता है कि चैप्टर का नाम अलजेब्रा है, पर हमको करेक्ट डेफिनेशन चाहिए कि व्हाट इज अलजेब्रा. सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. हम ये नहीं कह रहे कि मैथमेटिक्स में से एक ब्रांच निकल गई उसका नाम है अलजेब्रा. हम वो वाली ब्रांच की बात नहीं कर रहे गाइस, हम वो वाली ब्रांच की बात कर रहे हैं जिसमें हम लेटर्स भी यूज करते हैं, नंबर्स भी यूज करते हैं, इक्वल टू के साइंस यूज करते हैं और प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन. ये नहीं कि मैथमेटिक्स लिख रहा है उसमें से एक ब्रांच बाहर आ गई ब्राउन कलर की और लिख रहा है ए एल जी ई बी आर. तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है. अलजेब्रा वी यूज नंबर्स, literals means letters use करते हैं, and signs of basic operations. Basic operations means multiplication, division, addition and subtraction. The branch of mathematics in which we study numbers is called arithmetic. अब जो chapters में हमने हमारी union classes में जिस जिन जिन चैप्टर्स में अपने नंबर्स पढ़े, जैसे आपने नंबर्स पढ़े हैं मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मेजरमेंट, टाइम, मनी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें आपने नंबर्स पढ़े हैं. तो जो भी जिसमें आपने नंबर्स पढ़े, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स मतलब जिसमें हमें नंबर्स पढ़े हैं सीखे हैं उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक. और वो ही डिट्टो अलजेब्रा में है जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू यूज लेटर्स विद नंबर्स. ओके, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीड शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री. ज्योमेट्री नाम से ही पता चल रहा है गाइस, हम इसमें शेप्स बनाते हैं, वन साइडेड फिगर, टू साइडेड, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टा, ऑक्टागन, नैनोगन ऐसे कुछ है और डेकागन. तो ऐसे हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है. ज्योमेट्री का अर्थ है शेप, वर्किंग विद शेप. और अरिथमेटिक का मतलब है वर्किंग विद ओनली नंबर्स. अब जैसे 9 एएम है, तो एएम तो क्या है, एंटी मेरिडियम. एएम तो एक टाइम है कि एएम सुबह होता है और एएम मतलब दिन का टाइम होता है और पीएम रात का होता है. जैसे आप मान लो 12 पीएम तो वो रात में होगी पर जो टाइम है वो पीएम में बदल जाएगा. ठीक है दोस्तों, आई ऑल्सो डोंट नो दैट वाई एएम एंड पीएम, बट आफ्टर 12 नून इट इज पीएम. बट नाउ वी बिगिन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड अलजेब्रा. सो लेट्स स्टार्ट. इन अलजेब्रा we will study multiplication, addition, division and subtraction of numbers with literals, means letters. Literals, L-I-T-E-R-A-L-S, literals. Like for an example, x minus 4, 3 plus 3, y divided by 4, 12 multiplied by z. Okay guys. तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड सोन और भी बहुत कुछ एग्जांपल्स होते हैं. तो ये नहीं कि एक अलजेब्रा में पर्टिकुलर चीज ही पढ़ेंगे, हम उसमें मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे कि हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और भी बहुत सारी चीजें जो आपको अलजेब्रा में याद रखती है. तो फर्स्ट है गाइस हमारे इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस using numbers, literals and operations of addition. अब ये जो हमें phrases दे रखे हैं, हमें इनका सही order
बताना है कि हमें क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? अब मैं आपको सब समझा दूंगा. डोंट थिंक दैट इट इज आर इट इज इजी. ठीक है, देखो सम ऑफ एन एंड सेवन. ठीक है, तो मैंने कुछ ज्यादा ही टाक ले लिया. सम ऑफ एम एंड सेवन. अब गाइस आप तो दिमाग में ये रख लो कि एम है ही नहीं, एम की जगह पे है वन. आप एन को मान लो वन. तो अगर हमें क्वेश्चन दिया होता सम ऑफ वन प्लस सेवन, तो हम गाइस यही तो करते ना, वन प्लस सेवन इज इक्वल टू एट. तो यहाँ हमें गाइस सिर्फ यही दे रखा है कि हमें एम को सेवन से प्लस करना है, मतलब m में 7 प्लस करना है, 7 में m प्लस करना है, एक ही बात हो जाती है. तो एक गाइस मैं आपको बहुत ध्यान देने वाली रखने वाली चीज बताने जा रहा हूँ कि हम कभी भी लिटरल विद नंबर का मल्टीप्लीकेशन तो कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते. जैसे सम ऑफ m एंड 7, तो हम उसको m प्लस 7 ही छोड़ देंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एम, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम. ठीक है, तो देखना, चलो कमेंट बॉक्स में आंसर बताना आप लोग. इसका तो है सम ऑफ एम एंड सेवन, एम प्लस सेवन. सम ऑफ पी एंड क्यू, जल्दी से जाओ 5 सेकंड में कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो गाइस, फिर मैं देखूं आपको कितना आ चुका है. 1 2 3 4 5, चलो टाइम हैज गॉन. तो सेम ही क्वेश्चन है, खाली नंबर सेम थे. सम ऑफ एम प्लस सेवन में था एम प्लस सेवन, एंड सम ऑफ पी एंड क्यू है का है आंसर पी प्लस क्यू. ओके गाइस, डब्ल्यू इज एडेड टू एम. अब गाइस आप ये भूल जाओ कि इसमें डब्ल्यू नहीं है, इसमें है 11. 11 इज एडेड टू 10. अब ये नहीं कह रहे कि 11 प्लस 10, इसमें ये बताया जा रहा कि इसमें ये बताया जा रहा है कि 10 में W को ऐड करो, या 10 में W एडेड हुआ है. आप ये भी लिख सकते हो कि W प्लस 10 वो तो बात ही एक होगी, पर जो लॉजिकली जो उसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? यस, 10 प्लस W. और अगर इसमें होता 11 तो तब भी लॉजिकली आंसर होता 10 प्लस 11, पर हम वैसे भी कर देते 11 प्लस 10, एक ही तो बात जा रही है. ठीक है, सम ऑफ m एंड 55 इज एडेड टू n. अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो सम ऑफ m एंड 25, n में m और 25 का जो एडिशन है वो एड हुआ है, तो हम इसको देखो कैसे करेंगे. n लिख देंगे प्लस, अगर अपन m प्लस 25 लिख देंगे तो ये भी माना जा सकता है ना कि n में m हुआ है और m में 25 हुआ है. तो इस कंफ्यूजन के लिए हम बनाते हैं एक ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के भी नाम से स्मॉल ब्रैकेट के भी नाम से जाना जाता है. तो m प्लस 25, तो m प्लस 25, तो ये आंसर यहाँ पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा कि इसको हम प्लस भी या सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही हो जाएगा. नाउ टेन इंक्रीज बाय द सम ऑफ एम एंड एन. ये देखो अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है गाइस, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. अगर मैं दूसरा क्वेश्चन भी दे दूंगा ना गाइस, तब भी आप एकदम अच्छे से कह पाओगे. मेन बात तो ये है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको समझ आया नहीं आया. 10 इंक्रीज इन सम ऑफ m एंड n, मतलब 10 इंक्रीज हुआ है कितना, सम ऑफ m और n से. तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, 5 सेकंड दे रहा हूँ. 1 2 3 4 5, चलो m प्लस 10 प्लस m और n. क्यों? क्योंकि 10 इंक्रीज हुआ है, हम 10 में ही तो प्लस करेंगे, m और n में क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज ये है कि 10 से 10 को इंक्रीज है, 10 इंक्रीज हुआ है किससे, m और n के सम से. तो जैसा कि मैंने बताया एडिशन नहीं होते, अगर अलग वेरिएबल्स होते हैं. हम देखो भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये जो आपने वर्ड सुना है ना लिटरल,
इसको हम बोलते हैं VARIA, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और ये जो नंबर्स होते हैं ना गाइस, नंबर्स, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो ये गाइस बात दिमाग में याद रखना, x इंक्रीज बाय 24, तो x प्लस 24। होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। 19 इज एडेड टू द सम ऑफ w एंड u, मतलब w और u के सम में, ये ब्रैकेट में w और u आ गए। रुको गाइस एक बार, मेरे को सब इरेज करने दो। ब्रैकेट w प्लस u प्लस 19, ओके। सम ऑफ एट एन नंबर x, सम ऑफ एट एन नंबर x इंक्रीज बाय y, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा 8 है, 8 इज इंक्रीज बाय y, मतलब 8 प्लस x का जो सम है वो कितना इंक्रीज हुआ है, प्लस y से। चलो अब है ये इंक्रीज दिख रखता है, इंक्रीज 3p बाय 99, तो हो जाएगा 3p प्लस 99। गाइस आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस यूजिंग नंबर्स literals and operations of subtraction. अब ये क्वेश्चन आ गए हमारे सब्ट्रैक्शन के, तो 3 less than a literal m, अगर m की जगह आप मान लो 4 होता तो क्या होता, 3 less than a literal 4, तो 4 minus 3 हो जाता। और यहाँ पे भी सेम चीज दे रखी है कि m minus 3, ये मैंने गाइस आपको बता दिया है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन कभी नहीं होते, ठीक है। तो इसका हो गया गाइस m प्लस 3, सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम z। अब z अगर नहीं होता, 20 होता तो हम क्या करते, 20 माइनस 14 करते ना, तो वो ही सेम चीज इसमें है, तो आंसर हो जाएगा z माइनस 14। डिक्रीज k बाय y, अब हमको k में से y डिक्रीज करना है, और डिक्रीज का मतलब होता है माइनस, तो हो जाएगा k माइनस y। हम टेकन अवे फ्रॉम 2, टेकन अवे मतलब m उसमें से चला गया, m की कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो उसमें माइनस ही होगा, क्योंकि m उसमें से माइनस हो गया, तो 2 माइनस एम। 105 लेस देन द सम ऑफ पी एंड के, अब सम ऑफ पी एंड के से 105 लेस देन मतलब माइनस करना है हमको, तो हमको ब्रैकेट में रखेंगे प्लीज पी प्लस के माइनस 105। अब है डिक्रीज द सम ऑफ के एंड 2 बाय पी, तो के एंड 2 में से हमको पी माइनस करना है, 2 माइनस पी। तो आई होप गाइस कि आपको समझ ही आ गया होगा, मैं इस कर रही सबको। हाँ हाँ, क्यू लेस देन द सम ऑफ पी एंड एन, मतलब पी प्लस एन माइनस क्यू डिक्रीज द सम ऑफ एम एंड एन बाय एक्स, कुछ ही नहीं है, एम प्लस n माइनस x। y डिमिनिश बाय 50, अब डिमिनिश का अर्थ क्या, मीनिंग क्या होता है कि y में से 50 सब्ट्रैक्ट हो गया है, ओके। जब भी कहीं आपको ऐसा वर्ड मिले तो आप सीधा ये कर देना। अब ये दो क्वेश्चन रह गए थे, m टेकन अवे, यहाँ ये तो हो गया था, 14 इज डिमिनिश बाय c, तो 45 माइनस c, डिमिनेंस मतलब 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम c,
Y is subtracted from 50. Okay. So I hope कि आपको समझ ही आ गया होगा guys. Write each of the following phrases using numbers, literals and operations of multiplication. अब हमको multiplication करना है. उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ guys. ये multiplication और division. I will tell you in my next video. So मैं थोड़ा लेट नाइट बना रहा हूँ, तो मैं फादर इज फोर डेज. तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट.